हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे लोटस हर्बल वाइट ग्लो क्रीम का। आप लोग ये क्रीम के बारे में जानते ही होंगे, बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं। ये एक स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम है। तो चलिए इस क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू करते हैं। इसका प्राइस से लेके इसका क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। इसके अलावा जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनका क्या रिव्यू है, क्या कहना है इस क्रीम के बारे में, उनका फीडबैक भी शेयर करूंगा। दोस्तों, ये क्रीम का अगर प्राइस की हम बात करें, इसका 2 पैक मार्केट में अवेलेबल है। इसका शायद अभी सुनने में आ रहा है कि इसका कोई और भी बड़ा पैक है। एक 60 ग्राम का है जो आपको अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेंगे तो आपको लगभग 240-250 तक पड़ता है प्राइस। अगर इसका 40 ग्राम का पैक की बात करें, अमेजन में आपको 200 के नीचे ही मिल जाएगा। लगभग 200 का प्राइस में आपको मिल जाता है, अक्सर ऑफर रहता है ये क्रीम। तो जब भी खरीद रहे हो आप प्राइस कंपेयर कर लेना, जहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा है वहाँ से आप खरीद सकते हो। ये क्रीम का SPF की अगर हम बात करें, SPF 25 रहता है ये क्रीम में। कई लोगों को SPF का मतलब नहीं मालूम है तो पहले मैं बता देता हूँ। SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और कई क्रीम ऐसे हैं जिसमें SPF का मात्रा होता है। SPF का काम क्या है, वो सूरज का जो हानिकारक रोशनी होता है, सूरज की रोशनी के वजह से काफ़ी लोगों का स्किन काला पड़ जाता है, जल जाता है, तो वो सूरज की हानिकारक किरणों से SPF आपका स्किन को बचाता है। SPF 25 के अलावा SPF 30 का भी क्रीम आता है, SPF 50 का भी क्रीम आता है। तो जितना ज़्यादा SPF मतलब उतना ज़्यादा अच्छा सूरज का जो हानिकारक रोशनी है उससे बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं ये क्रीम को किनको यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, ये क्रीम हर कोई यूज़ कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ स्किन। ये क्रीम को कई लोग यूज़ करते हैं डार्क स्पॉट को हटाने के लिए, इसके अलावा चेहरे में जो पिंपल्स आ जाता है उसको भी रोकने के लिए, इसके अलावा अपना स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए भी ये क्रीम को यूज़ किया जाता है। ये क्रीम जब आप यूज़ करोगे तो आपका स्किन ऑब्वियसली सॉफ्ट रहेगा और ग्लो भी करेगा। इसके अलावा स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है ये क्रीम, क्योंकि इसमें SPF है, तो ये क्रीम आपका सन प्रोटेक्शन क्रीम की तरह काम करेगा। जब आप ये क्रीम को यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको विद इन वीक मिल जाएगा। आपको खुद में लगेगा कि कुछ चेंजेज है आपके स्किन में। तो ये क्रीम जब आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत लाइट लगेगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ये वहीं पे कुछ लोगों को ये क्रीम सूट भी नहीं करता है, क्योंकि सब क्रीम सबको सूट नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपका स्किन के ऊपर। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी नया क्रीम आप यूज़ कर रहे हो तो पहले उसको अपना चेहरा में मत ट्राई करिए, पहले हाथ में लगा के देखिए वो आपका स्किन को सूट करता है या नहीं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो फिर आप वो क्रीम का यूज़ करना बंद कर दीजिए। तो कई लोगों को ये क्रीम जो है सूट नहीं करता है, उनको ये क्रीम से कोई चेंजेस नहीं दिखता है अपना स्किन में। इवन कई लोगों का ये कहना है ये क्रीम का यूज़ करने के बाद उनका चेहरा और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, कुछ लोगों को पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये क्रीम लगाने के बाद और भी ज़्यादा इरिटेशन होता है। ये क्रीम गार्नियर फेस क्रीम का ही एक कॉपी है, जो कि बहुत चीप केमिकल से मिलके बना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्रीम ऑयली स्किन वालों को सूट नहीं करता है। इसके अलावा ये क्रीम को जब आप लगाएंगे अपने चेहरे पे, उस समय आपको थोड़ा ऑयली चिपचिपा टाइप का लगेगा, आपका स्किन ये क्रीम को सही से ऑब्जर्व नहीं करता, ये भी आप नोटिस करेंगे। तो वो सारी इंपॉर्टेंट बातें इस क्रीम से जुड़ी मैंने आप लोगों तक बता दिया है। आप में से अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं आप ट्राई कर सकते हो ये क्रीम को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।